सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वाध साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज नवरात्र का पांचवा दिन है और आज माता रानी के प्रसाद के रूप में मैंने एक रेसिपी बनाया था, उसी रेसिपी को मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं मेरा आज का रेसिपी जो कि मैंने माता के प्रसाद के रूप में बनाया था। आज का मेरा रेसिपी है आप सभी के लिए मालपुआ, जो कि हम घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मेरा आज का रेसिपी। मालपुआ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप आटा, 1.5 कप चीनी, 1 पका हुआ केला ले लिया है, कुछ नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 1 चम्मच सौंफ लिया है, 1.5 चम्मच इलायची पाउडर और कुछ पानी ले लिया है। पानी आप अपने हिसाब से ही लें। एक बाउल में हम 2 कप आटे को डाल देंगे। अब उसमें 1 केला को छोटे छोटे टुकड़ों में मैश कर डाल देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच सौंफ डाल देंगे। अब काटा हुआ नारियल को इसमें डाल देंगे और इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब सभी चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे पानी यूज किया है, आप पानी के जगह मिल्क भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को मिल्क पसंद नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादातर मिल्क यूज़ नहीं करती। आप यहाँ पे आटे के जगह मैदा भी ले सकते हैं। हमारा बैटर अभी लगभग तैयार है, ये देखिए इसका कंसिस्टेंसी। अब हम इसे 15 मिनट के लिए अलग से रख देते हैं और मालपुए के लिए हम शुगर सिरप बना लेते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए हम यहाँ पे 1.5 कप चीनी को ले लेंगे और उसमें रिक्वायर्ड वाटर डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम पे ही रखेंगे। चीनी पूरी तरह मेल्ट होने तक हम इसे मीडियम फ्लेम में ही रखेंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। चाशनी बनाने के लिए आप अपने हिसाब से चीनी और पानी लें। आप जितना मालपुआ बना रहे हैं उतने हिसाब से ही चाशनी भी बनाएं। ये देखिए धीरे धीरे चीनी मेल्ट होने लगा है। चीनी हमारा पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। यहाँ पे हम गैस का फ्लेम मीडियम और हाई पर रखेंगे। ये देखिए तैयार है हमारा चाशनी। अब हम इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। एक पैन में कुछ तेल गरम कर लेंगे और बैटर जो हमने रेडी करके रखा था उसे 1-1 चम्मच करके राउंड शेप में डालेंगे। मेरा पैन में इतना ही स्पेस है, इसीलिए मैं यहाँ पे 3 डाल रही हूँ। अगर आपके पैन में ज़्यादा स्पेस है तो आप और भी डाल सकते हैं। गैस का फ्लेम यहाँ पे मेरा हाई ही रहेगा। अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। एक चम्मच की हेल्प से मैं इसके ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल डाल दे रही हूँ ताकि ये ऊपर की तरफ भी थोड़ा थोड़ा फ्राई होने लगे। हम इसे तभी पलटेंगे जब नीचे की ओर अच्छी से फ्राई हो जाएगा। ये देखिए नीचे की ओर हमारा हो चुका है पूरी तरह से फ्राई। पलट के हम दूसरी तरफ भी हम इसे फ्राई कर लेंगे।
हम इसे डीप फ्राई ही करेंगे। ये देखिए हो चुका है हमारा फ्राई पूरी तरह से बैटर। अब हम इसे निकाल के साइड में रखा हुआ चाशनी में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चाशनी में मिला लेंगे ताकि इसके अंदर की तरफ भी अच्छे से स्वीटनेस आ जाए। बाकी बैटर को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। ये भी हमारा डीप फ्राई हो चुका है। इसे भी निकाल कर हम चाशनी में रख देंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसे चाशनी में छोड़ देंगे ताकि इसमें अच्छा स्वीटनेस आ जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। ये बनके तैयार है हमारा आटे का मालपुआ। आप भी इसी तरह अपने घर पे बना के देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा बना है आटे का मालपुआ।